अलवर के अखैपुरा चमेली बाग स्थित कब्रिस्तान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते मेव समाज ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन का अपना विरोध जताया है। समाज के प्रतिनिधियों ने मामले में शामिल सभी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। ये अपने अपनी जमीन लड़ाई नहीं, हिम्मत से अपनी लड़ाई। हमको और आपको सबको जाना है एक जगह, और वो है अंतिम, जहां कब्रिस्तान है और शमशान है। अगर शमशान और कब्रिस्तान को आप बेचोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। हमें पार्टी पीछे है, पहले जिंदा रहने के लिए कब्रिस्तान चाहिए, जभी तो मरेंगे। हमने जो प्रदर्शन किया है, हम हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और ये प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि जिले के जितने भी नेता हैं वो नकारा हो गए। जिन लोगों को हमने बनाया, जिनको मंत्री पद मिला, जिनको सारे कुछ पद मिले हैं, जो मेयरों की बदौलत जीते हैं, जिन्होंने आज तक हमसे एक इस बात पे चर्चा नहीं की। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कभी भी बीजेपी के राज में भी कब्रिस्तान नहीं बिके जो कांग्रेस के राज में कब्रिस्तान बिकरे, और जो यहाँ के बिल्कुल नेता हैं जो नकारा है। 98% वोट कांग्रेस को मेयर देते हैं, 1-2% कोई मेरे जैसे होंगे, नहीं देते होंगे वो अलग बात है, मैं साफ कह रहा हूँ। पर 98% वोट देने के बाद में कोई कांग्रेसी आज तक ये नहीं बोला कि ये गलत हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री का आभार स्थानीय कांग्रेसियों, राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, एमएलए, मंत्री, सबका बहिष्कार।